हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 5 लोगों के लिए चिकन। तो आज हम बनाएंगे चिकन, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 से 5 प्याज ले ली है, लहसुन, और उसमें हमने अदरक का टुकड़ा काटा था और कुछ हरी मिर्चियाँ ले ली हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम और थोड़ा सा खोपरा। अब हम सभी को डालकर अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने लिए 1/2 किलो चिकन। तो हमने यहाँ पर मसाला अच्छे से पीस लिया है, देखिए बिल्कुल बारीक मसाला पीसना है सभी को। इसमें हमने अदरक वगैरह सब डालकर पीस लिया है और कुछ गरम मसाले ले लिए हमने, जिसमें तेजपान का पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब हमने ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बड़ा चमचा तेल लिया है, 2.5 चमचा तेल ले लिया है हमने यहाँ पर, सरसों का तेल लिया है, और उसमें हमने डाला है जीरा। जीरा के बाद हमने जो गरम मसाले लिए थे उसे हम डाल देंगे। मसाले अच्छे से चटक जाएंगे, उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार करा था उसे हम ऐड कर देंगे। अब मसाले को हम कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा हाई पे नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसाला हमको भूनना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। अब हम अपना जो है इसमें 2.5 चम्मच जो धनिया पाउडर है डाल लेते हैं। उसके बाद 1/2 चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और जो मिर्ची पाउडर है आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तीखा पसंद है तो आप तीखा और ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो हमारी धनिया और मिर्ची पाउडर है अच्छे से फूल जाएंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक भी आपको स्वाद अनुसार डालना है, वैसे मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है। अब सभी मसालों को हम आपस में मिलाकर, और जो हमारा प्याज वाला पेस्ट था वो अच्छे से भुन चुका है, तो उसमें हम अपना ये वाला पेस्ट ऐड कर देते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करके, हमें इसमें 20 मिनट लगेंगे इसे सेकने में, तो इसे हम 20 मिनट तक अच्छे से सेक लेते। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे सेकना है, और जब ये आपको दिखेगा ये लास्ट में तेल जब छोड़ने लगता है किनारियों पर, देखिए यहाँ पर जब मैं इसको इधर उधर कर रही हूँ चमचे से, तो ये तेल छोड़ रहा है, मतलब कि हमारा जो पेस्ट है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो अपना चिकन तैयार रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 5 लोगों के लिए चिकन, तो हमने उसमें 1/2 किलो चिकन लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। जो हमारे जो सारे मसाले हैं वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देना है, और उसके बाद हम इसे अच्छे से ढककर रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा जो मसाला है वो नीचे तली पर नहीं चिपकेगा। तो इसे हम ऐसे ही ढककर और बीच में चलाते हुए 5 मिनट कर लेंगे, सेक लेंगे। उसके बाद जो 1 कटोरी पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा तली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकती हैं। तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, और अच्छे से सारे मसालों को इसमें मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से हाई फ्लेम पे इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। तो ये अच्छे से अंदर से भी पक चुका है, तो अब हम इसमें 1.5 चम्मच जो चिकन मसाला होता है, जो बाज़ारों में मिलता है एवरेस्ट का, वो हम इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच चिकन का मसाला इसमें ऐड कर दिया है। तो हमारी चिकन जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया काट कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी चिकन की रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है।
तो अब हमने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। देखिए हमारी जो रेसिपी है आज की, बहुत ही फटाफट से तैयार होने वाली चिकन रेसिपी थी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।